भंडारा है कितने दिन से चला हुआ है यहाँ पे? देखो हमारा भंडारा बारा सुरक्षी खाप की तरफ से दलाल खाप, इन्होंने आज करीब दो महीने हो चुके हैं भंडारा चले ने, हर चीज की मेरे बुजुर्गों ने दलाल खाप ने हर चीज की सुविधा दी है, खाने की पीने की डॉक्टर की कपड़े की नहाने की धोने की। ये आज मेरे ख्याल में 62-64 दिन हो गए होंगे चले को। इतने जो किसान है खाना रोज यहाँ खा लेते हैं यहाँ पर, कम से कम भी मतलब वैसे तो गिनती नहीं है लेकिन 10,000 आदमी का खाना यहाँ पर डेली खाते हैं। जो कल की तैयारियाँ हैं, कल काफिला कहाँ से शुरू होगा आपका? देखो हमारे काफिला की बात हमारे सुरक्षी खाप के प्रधान ने 22 तारीख को मीटिंग ली थी पूरे खाप की, पूरे बारे की, उसमें पूरे आदेश दिए गए थे कि कम से कम भी 5-10 हजार ट्रैक्टर हमारे खाप के होंगे और सारा गांव से लेकर के सभी गांवों में घूम करके फिर यहां पर भंडारे इकट्ठे होंगे। जो कल टाइम है इस टाइम आपका काफिला चलेगा? कल हमारा काफिला ठीक 12 बजे यहां से निकलेगा। 12 बजे यहीं से बहादुरगढ़ से निकलेगा या गांव से किसी? नहीं, गांव से आएगा सवेरे 6-7 बजे यहां पर आएगा सारे गांवों से। खाने की क्या व्यवस्था की है उनके लिए जो आएंगे? खाने की व्यवस्था हर आदमी के लिए, खाने के लिए सब्जी पूरी लड्डू और बारात और पानी हर चीज खाने की सुविधा है। ये नहीं है कि हमारे दलाल खाप के लिए है, हर जितने भी किसान हैं जितनी भी उनसे पूर्ति होगी उतनी हमारा दलाल खाप करेगी। और जो है एक सैनिक की तरह आप बता रहे हैं जो मैकेनिक डॉक्टर जाएंगे उनकी क्या देखो ये हमने ये व्यवस्था की है कि भी जैसे कोई ट्रैक्टर रास्ते में खराब हो गया तो हमारे बेल टोर्शन साथ होंगे और मैकेनिक साथ होगा, कोई उसको ठीक होगा वहीं करेंगे नहीं तो ले आएंगे। और जो बुजुर्ग किसान हैं उनके लिए क्यों सर्दी का मौसम है आपको पता है उनके लिए क्या व्यवस्था है? बुजुर्गों के लिए हमने गाड़ी कर रखी है गाड़ियों में जाएंगे युवा है और ट्रैक्टर है ट्रैक्टरों में युवा भी जाएंगे और माता बहने भी जाएंगी बच्चे भी सभी मतलब हमारे हर तरीके से तैयार वर्ल्ड रिकॉर्डेड परेड करने जा रहे हैं उन और किसानों के लिए आपकी तरफ से। मैं ये सोचता हूँ कि आज तक ऐसा कभी ना हुआ है और मैं ये कहता हूँ कि ऐसी दुख की घड़ी भगवान की तरह किसी के पास आगे आए भी नहीं। ठीक है और भाई ये मैं जरूर बताता हूँ आपके चैनल से भी ताकि जो भी नौजवान साथी हैं जो भी ट्रैक्टर लेकर के आएंगे जो भी किसान आएंगे उनको मैं एक बार अपने बारीक तरफ से भी और अपनी तरफ से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई आज 2 महीने तक आप बहुत अच्छे तरह से सेवा कर रहे हो और अब भी अपने बारे का मान सम्मान बढ़ाने के लिए बिल्कुल शांति का मतलब दान दे और वह शांति से ही चाकी को निकाले, कोई भी आदमी गलत कार्य ना उठाए ताकि हमारी खाप पर हमारे कोम पर या हमारे जमींदार पर किसी किस्म का धब्बा ना लगे। धन्यवाद धन्यवाद राम राम।